नई नवेली सासू माँ बनी टीना अंबानी अपनी बहू कृषा पर प्यार लुटाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अपने बेटे अनमोल की शादी के 20 दिनों बाद तक भी टीना जी अक्सर बेटे की शादी से कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करती रहती है। हाल ही में टीना अंबानी ने अनमोल और कृषा के फेरे से कुछ तस्वीरें पोस्ट की है और साथ ही लिखा है, अ न्यू चैप्टर बिगिंस फॉर अनमोल एंड कृषा विद ब्लेसिंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली द वेडिंग। आपको बता दें, अनमोल और कृषा की शादी में उनका गठबंधन उनकी बहन ईशा अंबानी ने किया था और इस रस्म की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें ईशा अंबानी अपने छोटे भाई भाभी का गठबंधन करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं इसके अलावा फेरे के बाद की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें अनमोल और कृषा की फैमिली के अलावा पूरा बच्चन परिवार नजर आ रहा है। इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन, श्वेता बच्चन, नव्या नवेली नंदा सहित कृषा का परिवार भी नजर आया। तो वहीं शादी के बाद नई नवेली दुल्हन कृषा शाह अपनी दादी सास यानी कि कोकिलाबेन अंबानी और अपने दादा ससुर यानी कि धीरूभाई अंबानी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आई। इनके अलावा कृषा की शादी के कुछ प्री वेडिंग फंक्शंस की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें उनकी बहन ध्रति शाह और भाई मिशान उन पर प्यार लुटाते हुए नजर आए। तस्वीरों में ध्रति अपनी बहन कृषा को हल्दी लगाते हुए नजर आई। तो वहीं हल्दी की रस्म के बाद उनके भाई मिशान ने अपनी बहन को चूड़ा पहनाया। रस्म के दौरान कृषा की माँ उन्हें गले लगाते हुए इमोशनल हो गई। आपको बता दें, कृषा शाह और अनमोल की शादी में उनका कन्यादान कृषा की बहन रति शाह और उनके जीजा करण ने किया। दरअसल कृषा शाह के पिता का देहांत हो गया है, इसीलिए रस्म उनके दीदी जाजी ने निभाई और अपनी बहन के कन्यादान का सौभाग्य पाकर नृति भी बेहद खुश और इमोशनल थी। नृति कन्यादान की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखती है, जिन लोगों को कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है उनके लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यह दान माता पिता के लिए स्वर्ग के मार्ग खोलता है, इसलिए हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। मेरे पिता ने करण और मुझे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सार्थक उपहार दिया है। अनमोल को अपनी छोटी बहन को देने में सक्षम होना भावात्मक और विडंबना से कम नहीं था। यह एक ऐसा मौका होगा जो शायद हमें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे दो बेटे हैं। मेरे प्यारे पापा, आप शब्दों से परे हैं, आपकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुई और फिर भी हम में से 5 सबसे करीब हो सकते हैं जो एक परिवार के रूप में गर्व महसूस किया। दोस्तों आपको बता दें, कृषा शाह और अनमोल ने 20 फरवरी 2022 को शादी की। कपल की शादी में फैमिली मेंबर्स और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। कृषा की शादी की अंधे की तस्वीरें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।